हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। हु वाज डाइट्रिक ब्रैंडिस एंड व्हाई वाज ही इनवाइटेड टू इंडिया। क्वेश्चन कह रहा है कि डाइट्रिक ब्रैंडिस कौन थे एंड उनको इंडिया में इनवाइटेड क्यों किया गया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। ब्रिटिशर्स फेल्ट दैट लोकल पीपल इन इंडिया वर रेकलेसली कटिंग द ट्रीज व्हिच वुड डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट कंप्लीटली। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ब्रिटिश फेल्ट दैट लोकल पीपल इन इंडिया वर रेकलेसली। देखो यहाँ पर जो रेकलेसली है इसका मतलब होता है बिना किसी परमिट के, या फिर ये कह लो कि अंधाधुंध। ठीक है, अब ये रेकलेसली क्या कट कर रहे थे, देखो लिखा है ना रेकलेसली कटिंग द ट्रीज। ये क्या कट कर रहे थे, ट्रीज मतलब ब्रिटिशर जब आए ना कॉलोनियल टाइम पर, तो उन्होंने देखा कि जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के जो लोकल लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी ग्रीड्स को पूरा करने के लिए पेड़ों को अंधाधुंध काट रहे हैं। और इस चीज को देखकर ब्रिटिशर को समझ में आ चुका था कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने भी फॉरेस्ट है वो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय। सेकंड पॉइंट, ब्रिटिशर्स नीडेड फॉरेस्ट लैंड टू बिल्ड शिप्स एंड रेलवेज। और जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने ये भी देखा, और उनको नीड्स थी, किस चीज की नीड्स थी, देखो सबसे पहले उनको लकड़ी वुड चाहिए थी, किस लिए, ताकि वो अपना शिप्स वगैरह बिल्ड कर सकें, रेलवे बिल्ड कर सकें, इसलिए वो चाहते थे, इसलिए वो फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहते थे। अब इसलिए जो जितने भी ब्रिटिशर्स हैं ना, उन्होंने क्या करा, एक बोटैनिस्ट को बुलवाया जिनका नाम था डाइट्रिक ब्रैंडिस। और यह है हमारे क्वेश्चन का आंसर, जरा एक बार देखेंगे। डाइट्रिक ब्रैंडिस अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया एंड ही वॉज अ जर्मन एक्सपर्ट एंड ही वॉज इन्वाइटेड टू इंडियन बाय द ब्रिटिशर्स टू सेव द इंडियन फॉरेस्ट। देखो समझ में आ गया होगा आपको, देखो यहाँ लिखा है ना डाइट्रिक ब्रैंडिस अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। सबसे पहले जो फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल जो थे वो कौन थे, हमारे डाइट्रिक ब्रैंडिस थे, और ये क्या थे, एक जर्मन एक्सपर्ट या फिर ये जर्मन बोटैनिस्ट थे। और इनको इसलिए इन्वाइट किया गया था ताकि जो हम क्या कर सके, अपने इंडियन फॉरेस्ट को सेव कर सके। और ये किन के द्वारा इन्वाइटेड हुए थे, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा इन्वाइटेड हुए थे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।